दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं। खुद देखिए, कुछ इन्वेंशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया तो कुछ इन्वेंशन ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया। आप हमारे इस बात में हाँ जरूर मिलाएंगे कि वक्त वक्त पर इन इन्वेंशन ने हमारी जरूरतों को ना सिर्फ पूरा किया है बल्कि हमारी दुनिया ही बदल दी। लेकिन दोस्तों आज ना तो हम इन्वेंशन के बारे में बात करेंगे ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। दोस्तों असल में ये जो इन्वेंशन होते हैं वो इतने आसान होते नहीं जितने दिखते हैं। इसमें इन्वेंशन करने वाले का टाइम, पैसा, लगभग बहुत कुछ जाता है और कभी कभी तो उनकी खुद की जान भी। जी हाँ दोस्तों, उनकी जान भी। आप भी सोच रहे होंगे हम ये बकवास क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बकवास नहीं बिल्कुल सच है। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सच आखिर है क्या। दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि अपनी इन्वेंशन का सबसे पहला ट्रायल साइंटिस्ट खुद ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रायल उनके लिए इतने खतरनाक हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप साइंटिस्ट लुइस स्लोटन को ही ले लीजिए। यही थे वो जिन्होंने सबसे पहले प्लेटिनियम बम इन्वेंट किया और वर्ल्ड वॉर टू में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, अपने इन्वेंशन को एग्जीक्यूट करते वक्त इनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद कई फिजिशियन ये मानते हैं कि ये एक प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट था। एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वेलेरियन अबोवॉक्सकी, ये भी अपने इन्वेंशन को एग्जीक्यूट करते करते दुनिया छोड़ गए। और ये दोनों अकेले ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ। फ्रेंज राइकेलेट, ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैराशूट का इन्वेंशन किया था। इनके साथ घटना ये हुई कि 11 साल असफल ट्रायल के बाद वो खुद अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एफिल टावर से कूद गए। अब सवाल यह है कि आखिर इन साइंटिस्ट की मौत के पीछे सच में इनके द्वारा की गई गलती थी या पॉलिटिकल पावर। आज हम इसी सवालों का जवाब आपको देंगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साइंटिस्ट लुइस स्लोटन की। दोस्तों ये एक ऐसे कैनेडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिशन रिएक्शन से बाकी साइंटिस्टों की जान बचाने के लिए खुद को प्लूटोनियम बम के सामने झोंक दिया। जरा सोचिए आज के जमाने में ये पॉसिबल है। खैर इस घटना के बाद लुइस स्लोटन 9 दिनों तक बहुत ज्यादा बुरी तरह से कंडीशन में थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब भले ही वो दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को यूरेनियम कोर्स और प्लूटोनियम कोर्स, जो आज के वक्त में फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो देकर गए। उनकी मौत के बाद जब इस पूरी घटना पर रिसर्च होनी शुरू हुई, तब जाके ये बात सामने आई कि इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था। दोस्तों साल 1946 में अमेरिका को बचाने के लिए लुइस स्लोटन, जो कि कैनेडियन फिजिस्ट और केमिस्ट थे, उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया, एक प्लूटोनियम बम जिसका वर्किंग काफी सिंपल था। जानना चाहते हैं क्या था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों इसमें दो रेडियो एक्टिव मटीरियल को आपस में मिला दो, उससे निकलने वाली एनर्जी सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। लगभग इस पूरे वर्किंग को सेट करने के लिए उन्होंने यूज किया मेटल के दो हाफ स्फीयर, जिसमें से एक स्फीयर में उन्होंने भरा बेरिलियम कोर, जो कि एक न्यूक्लियर रिफ्लेक्टर है, और दूसरे हाफ में उन्होंने डाला प्लूटोनियम कोर। इसके बाद इन दोनों स्फीयर को सही जगह पर प्लेस किया गया। हाँ ये अलग बात है कि उसे पूरे तरीके से फिक्स नहीं किया गया, वरना वो ब्लास्ट वहीं हो जाता। यही कारण था दोस्तों जिसकी वजह से उन्होंने उन दोनों के बीच स्क्रू ड्राइवर रखा था ताकि वो आपस में ना मिले। हुआ ये दोस्तों कि एक दिन जब वो इस इन्वेंशन के बारे में बाकी साइंटिस्ट को बता रहे थे, तब गलती से उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर फिसल गया, जिसके बाद हुआ ये कि ये दोनों हाफ एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। जाहिर सी बात है, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलने के बाद रिएक्शन आपको अच्छे से पता ही होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी और रेडिएशन। अब इस घटना के बाद पूरे रूम में हीट वेव्स फैल गए और रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा रूम ब्लू हो गया। आप यकीन मानिए, इससे बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन लुइस ने अपने बाकी के कलीग्स को बचाने के लिए उस स्फीयर को अपनी बॉडी से ढक लिया और उन दोनों स्फीयर को अलग करने लगे। कुछ वक्त बाद उन्होंने दोनों स्फीयर को अलग तो कर दिया,
लेकिन वो खुद रेडिएशन के शिकार हो गए। अब ज्यादा रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आने से उनकी जान रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से चली गई। इस इंसिडेंट के बाद बाकी लैब को एक सीख मिली, वो सीख थी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाना। लेकिन दोस्तों यही वो साइंटिस्ट थे जिनकी वजह से दुनिया को फर्स्ट न्यूक्लियर बम दिया, और यही वो दौर था दोस्तों जिसके बाद न्यूक्लियर बम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब दोस्तों जहां एक तरफ बम बनाए जा रहे थे तो पूरी तरफ अमेरिका में 20 दिसंबर 1951 को एक्सपेरिमेंटल ब्रीडर रिएक्टर 1 ये डेवलप हुआ। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला पावर प्लांट था जो एटॉमिक फिजन के हेल्प से स्टेबल और यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाया। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, जहां से साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ऐसा जरिया है जहां से ज्यादा पोल्यूशन होता ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पर आप कॉल ले लीजिए, आपको शायद पता ही नहीं होगा इस कॉल के पोल्यूशन की वजह से हर साल 25 लोग मारे जाते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे पास एक अच्छा खासा सोर्स है बिजली को सही ढंग से प्रोड्यूस करने का, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे, जिसका सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मार्केट। ऐसे क्या देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो है उसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए चलते हैं आपको अपने अगले साइंटिस्ट की ओर, वेलेरियन अबोवोकोस्की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये एक रशियन इन्वेंटर थे जिन्होंने साल 1917 में प्लेन ट्रेन हाइब्रिड की खोज की। दोस्तों एक ऐसी ट्रेन थी जिसमें एरोप्लेन का इंजन प्रोपल्सन सिस्टम के साथ फिट किया गया था। उस सिस्टम को अगर आप आज देखते तो उसे चॉपर का नाम देते। हुआ ये कि जब इसका टेस्ट राइड किया जा रहा था तो ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके कारण इसके इन्वेंटर की मौत हो गई। अब मौत होने के बाद उनकी फैमिली का कहना था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने उन्हें मारने की साजिश रची है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेलेरियन के इन्वेंशन के पीछे मकसद था सोवियत ऑफिसर्स की जर्नी। इसके बाद हुआ ये कि 1921 में उनके ट्रायल को अच्छी खासी सफलता हाथ लगी, जिसकी वजह से उन्होंने रशियन अफसर को एक बार इस ट्रेन में सफर करने का फैसला भी करवाया। इसके बाद जब जुलाई 1921 में जब इस टेस्ट ड्राइव की शुरुआत हुई तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वेलेरियन अबोवोकोस्की मॉस्को से 11 किलोमीटर दूर गए, उनका ट्रेन पटरी से उतर गया। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद उसमें मौजूद 6 VIP और वेलेरियन की मौत हो गई। उनके बाद जब इस बारे में पता किया गया तो खबर सामने आई इनके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, दूसरी तरफ कहानी कुछ और ही थी। उनके फैमिली का कहना था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पॉलिटिकल दुश्मनों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इस बात का कोई सबूत था नहीं तो ये केस सिर्फ एक केस ही बनकर रह गया। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है, उनकी मौत कैसे हुई होगी? ये वाकई कोई एक्सीडेंट रहा होगा या किसी की साजिश, कमेंट में बता दीजिए। नंबर 3, विलियम बुलक। दोस्तों 30 दिसंबर 1862 में विलियम बुलक ने मार्क क्रोस की प्रिंटिंग प्रेस में इम्प्रूवमेंट करके पूरी दुनिया के सामने एक वेब प्रेस पेश किया। ये एक ऐसा मशीन था जिसकी वजह से पेपर के दोनों तरफ प्रिंटिंग पॉसिबल हो पाई। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई। विलियम बुलक के इन्वेंशन के बाद इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई। अलग अलग कंट्री अपने न्यूज़पेपर को प्रिंट करवाने पर इसको यूज करने लगे। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, जब 3 अप्रैल 1867 को वो एक न्यूज़पेपर का काम कर रहे थे तभी उनका पैर रोटर मशीन में फंस गया। अब इसके बाद क्या हुआ होगा दोस्तों, यकीनन हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप दोस्तों इसे उनकी मौत समझ रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि इस घटना के बाद उनकी मौत नहीं बल्कि उनका एक पैर चकनाचूर हो गया। हुआ ये कि इस इंसिडेंट के बाद उनके पैर में गैंग्रीन हो गया, जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तभी ऑपरेशन के बीच में उनकी मौत हो गई। अब उनके मौत के पीछे की वजह एक्सेस ब्लड लॉस था या कुछ और, ये बात गूगल भी नहीं जानता। लेकिन ये बात तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनके ही इन्वेंशन ने उनकी जान ले ली। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, कई और भी साइंटिस्ट है जो अपना सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनका इन्वेंशन ही उनकी जान एक दिन ले सकता है। क्यों, है ना सही बात दोस्तों? वेल, हमें लगता है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, भूलना मत।